आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है सितंबर टू दिसंबर पीडीएफ का फर्स्ट क्यू कार्ड जो है डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास और लेसन दैट यू एंजॉयड। एक इंग्लिश क्लास की बात करनी है जहाँ किसी लेसन की जो आपने एंजॉय किया था। व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, क्या पढ़ाया गया था उस क्लास में। व्हेन डिड यू टेक द क्लास, कब आपने वो क्लास ली थी। वेयर इट वाज, कहाँ पे थी वो क्लास। एंड व्हाट डिड द टीचर डू दैट मेड यू एंजॉय इट, और टीचर ने ऐसा क्या किया था कि आपने उस क्लास को एंजॉय किया था। सो बेसिकली यहाँ पे आप इंग्लिश पे जो है वो जर्नल लाइन बना सकते हो। वेल इन दिस कंटेम्प्रेरी एपोक, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न। इस मॉडर्न एरा में, एपोक मतलब एरा जमाना, इंग्लिश इज नॉट सोनली द मैंडेटरी सब्जेक्ट इन एवरी अल्मा मेटर बट ऑल्सो हैज बिकम द क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। इंग्लिश ओनली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, हर किसी इंस्टीट्यूट का अल्मा मेटर मतलब इंस्टीट्यूट या स्कूल। इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हर किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छे से दूसरों के सामने आती है। हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन इंग्लिश क्लास दैट आई एंजॉयड अलॉट। आज मैं बात करूंगा इंग्लिश क्लास के बारे में जिसको मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया था। एक्चुअली आई एम एन इनोवेटिव पर्सन एंड हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग न्यू इन माई लाइफ। मैं एक इनोवेटिव पर्सन हूँ। इनोवेटिव मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की चाहत होती है। इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, मैं उत्सुक रहता हूँ कुछ नया सीखने के लिए अपनी लाइफ में। दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू किल माई टाइम बाई लर्निंग न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू इन्हांस माई एरुडिशन। इसलिए मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड सीखने में, ताकि मैं अपनी नॉलेज को, एरुडिशन का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज को बढ़ा सकूं। इन्हांस का मतलब होता है इंक्रीज करना। आई विवरली रेमिनिस, रेमिनिस मतलब रिमेम्बर। व्हेन आई वाज इन माय एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल होता है जो एट्थ तक का स्कूल होता है। एट दैट टाइम आर इंग्लिश मेंटर अरेंज्ड अ स्पेशल क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, मेंटर मतलब टीचर, उन्होंने एक स्पेशल क्लास अरेंज की थी इंग्लिश लिटरेचर की। एज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज सिंस चाइल्डहुड, आई वॉज अगॉग टू अटेंड दैट क्लास। जैसे मेरा कीन इंटरेस्ट है इंग्लिश क्लास में बचपन से ही, सो मैं क्यूरियस था उस क्लास को अटेंड करने के लिए, उत्सुक था। क्यूरियस का ये एक सिनोनिम वर्ड है अगॉग। ऑल द स्टूडेंट गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम, सारे बच्चे जो थे ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो गए थे। इन दैट क्लास द लेक्चर वॉज अबाउट द सिंड्रेला स्टोरी, जो सिंड्रेला की स्टोरी थी उस पर ये लेक्चर बेस्ड था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वॉज दैट, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो क्या थी, जो मुझे इंजॉय वाली लगी वो थी, देयर वर सिक्स एस्पिरेंट्स ऑन द स्टेज हु रिप्रेजेंटेड द डिस्टिंक्ट करेक्टर ऑफ द स्टोरी। वहां पे सिक्स बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे स्टेज पे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टोरी के अलग अलग करेक्टर को। एज देयर वर अ करेक्टर ऑफ सिंड्रेला हु वॉज द प्रिंसेस, वहां पे एक करेक्टर ऐसा था जो सिंड्रेला का था, जो प्रिंसेस थी एंड मेन करेक्टर थी उस स्टोरी की। अ स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर, वहां पे एक स्टेप मदर थी और दो स्टेप सिस्टर्स थे, किसकी, सिंड्रेला की। अ करेक्टर ऑफ प्रिंस, एक प्रिंस का करेक्टर था, और एक फेरी गॉड मदर मतलब एक परी थी जो कि गॉड मदर थी। फाइनली द क्लास वॉज स्टार्टेड, क्लास स्टार्ट हुई एंड देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हॉल, और ऑडिटोरियम में, जहाँ हॉल में पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस, कहने का मतलब बिल्कुल ही शांत और सीरेन एम्बियंस था। देन आर मेंटर मतलब टीचर टोल्ड अस दैट सिंड्रेला इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, सो लिसन इट केयरफुली। सो वहाँ पे टीचर ने अनाउंस किया कि जो सिंड्रेला है ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसलिए क्लियरली उसको सुनो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची में बता रहा हूँ, दोज करेक्टर्स रिप्रेजेंटेड द होल स्टोरी इन एन एक्विजिट वे, जो वो करेक्टर्स थे उन्होंने सारी स्टोरी को बहुत ही शानदार वे में रिप्रेजेंट किया था। एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही शानदार। एज हाउ अ प्रिंसेस इज टॉर्चर्ड बाय हर स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर, वहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि कैसे एक प्रिंसेस जो थी उसको टॉर्चर किया जाता था उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के द्वारा। दे रिप्रेजेंटेड, उस बच्चों ने रिप्रेजेंट किया दैट हाउ शी केम आउट ऑफ द क्रूएल वर्ल्ड एंड गॉट मैरिड टू अ चार्मिंग प्रिंस विद द एड ऑफ हर गॉड मदर। देन उन्होंने ये भी रिप्रेजेंट किया कि कैसे वो
जो क्रूएल मतलब कि उसका जुल्म वाला संसार था उससे बाहर आई और मैरिज की उसने एक चार्मिंग प्रिंस से, किसकी हेल्प से, एड का मतलब होता है हेल्प, गॉड मदर की हेल्प से। आफ्टर फिनिशिंग द क्लास, जब क्लास पूरी तरह से फिनिश हो गई थी, ऑल स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लास, सारे बच्चे उस स्पेशल क्लास के बारे में ही बातें कर रहे थे। मोर ओवर आई लर्नड अ लेसन, मैंने एक लेसन भी सीखा उस स्टोरी से, दैट ब्यूटी इज अ ट्रेजर, जो ब्यूटी है एक ट्रेजर है, ट्रेजर का मतलब खजाना है, बट ग्रेशियसनेस इज प्राइसलेस। ग्रेशियसनेस का मतलब होता है बेनेवोलेंट, जिसको हम बोलते हैं काइंड, तो बेनेवोलेंट ग्रेशियसनेस मतलब काइंडनेस, जो काइंडनेस है वो क्या होती है, प्राइसलेस होती है, उसका कोई मूल नहीं है, चाहे कि सुंदरता एक खजाना ही है। इन अ नटशेल दिस इज एन idiom फॉर एंडिंग दिस वॉज अ इंग्लिश क्लास, ये इंग्लिश क्लास थी दैट आई enjoyed अ lot, जिसको मैंने बहुत enjoy किया, एंड इट इज एन electrifying एक्सपीरियंस फॉर मी ever, और ये मेरे लिए हमेशा के लिए ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे ये अभी भी याद है, जैसे मैंने अभी स्टोरी में बोला कि मैंने एलिमेंट्री स्कूल में ये क्लास अटेंड की थी, तो अभी आप लोग सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हो, तो आप यहाँ पे इसके साथ ही बोलोगे कि मेरे लिए ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस है हमेशा के लिए, क्योंकि अभी भी आपको एट्थ क्लास की जो बात है, स्टोरी है, वो याद है, सो इसलिए आप ये यहाँ पे बोल सकते हो। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड, जो बेस्ड था इंग्लिश क्लास पे, और जितनी जल्दी हो सके मैं सारे इसके सारे जो सैंपल आंसर्स है यहाँ अपने चैनल सुमन आयल्स पे शेयर करूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी, सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू से, जब भी आप कोई भी क्यू कार्ड फाइंड आउट करते हो, तो कोई कई स्टूडेंट बोलते हैं कि उनको मेरा क्यू कार्ड जो है वो नहीं मिलता, तो जब भी आपने कोई चीज़ सर्च करनी है स्पीकिंग के रिगार्डिंग, देन आप उस क्यू कार्ड का नेम, उस टॉपिक का नेम, देन लास्ट पे बाय सुमन आयस लिख दीजिए, ताकि आपको वो मेरा क्यू कार्ड और वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो है वो मिल सके, क्योंकि ऐसे करके अगर आप सर्च करते हो तो आपको इजीली फर्स्ट नंबर पे ही वो जो क्यू कार्ड है और वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मिल जाएगा, और जितने भी न्यू PDF के मैं आइडियाज यहाँ पे शेयर करूंगी वो साइड बाय साइड में सितंबर टू दिसंबर जो प्लेलिस्ट है उसमें रखती जाऊंगी। अगर आपको कोई और भी आइडियाज चाहिए तो आप सितंबर टू दिसंबर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, और आपको वहां पे सारे के सारे आइडियाज एक साथ मिल जाएंगे, सारे के सारे सैंपल आंसर एक साथ मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ नाइस डे।